नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। युवा बोलेगा मंच ने 8 करोड़ रुपए गबन के मामले में पीड़ित पक्ष की आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि मंच के प्रदेश अध्यक्ष जेपी शेखपुरा ने मृतक बुजुर्ग एनआरआई हरभजन सिंह राणा के भाई की मौजूदगी में करनाल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने आरोपी द्वारा एफडी के कागजात छुपाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरोपी संतोष यादव और उनके साथियों के द्वारा एनआरआई के परिजनों को कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। इस मौके पर जेपी शेखपुरा ने कहा कि युवा बोलेगा मंच समय समय पर पीड़ित बुजुर्गों की आवाज को उठाता रहता है, उसी के तहत इस पीड़ित व्यक्ति को भी न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने इस मामले को लेकर कैथल पुलिस का धन्यवाद किया कि उन्होंने मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मृतक एनआरआई के परिजनों को जो बकाया राशि एफडी के माध्यम से आरोपी संतोष यादव और उनके साथियों द्वारा दबा ली गई है, उसको भी दिलवाया जाएगा। यह विदित है कि अभी अधिवक्ता संतोष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से पुलिस ने अधिवक्ता का रिमांड लिया था। हम ये नहीं चाहते कि जो आरोपी बाहर है, इस टाइम 3-4 जो आरोपी बाहर है वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। अरे मांगता क्या है, उनका भाई क्या मांग रहा है, वो लड़की क्या मांग रही है? अरे तुम लोगों ने 3.5-4 करोड़ रुपया तो कैश खा दिया, वो तो तुम लोग 10 साल में 20 साल में दोगे या ना दोगे, क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा ही है। जो हमारे कागज, जो हमारी एफडियां, 3.5-4 करोड़ की एफडियां तुम लोग अपने पास अपने तकिए के नीचे लेके बैठे हुए हो, वो तो वापिस कर दो। कैथल पुलिस की तो अहम भूमिका पुलिस की बात करें तो उनके बारे में क्या करनाल पुलिस पे शक हुआ। करनाल पुलिस ने इन आरोपियों के प्रति नरमाई अपनाई और इनके लिए कुछ नहीं किया, तो तभी तो इन्होंने डीजीपी से जा कर के, और हम शुक्रिया अदा करते हैं, मान साहब थे अपने, वृक्ष साहब थे, क्या नाम पूरा, नवदीप वृक्ष जी, उनको भी जयंत करते हैं। उनके उन्होंने फोन करके स्पेशल उन्होंने कहा कि रोक दो जाँच, यही करनाल पुलिस की जो है यहाँ यही जांच रोक दो, ये जांच यहाँ नहीं करवाना चाहते, ये जांच कैथल पुलिस में करवाना चाहते हैं। यादव थे, मनोज यादव थे डीजीपी, अपने खातों में डलवा करके, जो कि हमारे देश के कानून के हिसाब के साथ अगर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, पर इसका फैसला होगा। अब 3.5-4 करोड़ के जो कागज उनके घरों में रखे हुए हैं, हम ये कहते हैं कि ये कागज वापस दे दो, ये राख हो चुके हैं, ये एफडीआई वापस दे दो, तुम्हारा बेनकाब हो चुके हैं। मोबाइल उनके घर रखा हुआ है बुजुर्ग का, कार की चाबी उनके घर रखी हुई है, उनकी 17 पासबुक है वो उनके घर रखी हुई है, बुजुर्ग की 17 बैंक कॉपी है वो उनके घर रखी हुई है। अरे यहाँ पर ये चीजें, वही चीजें मांग रहा है ना, तुम लोगों ने हमारे पैसे खाने से खा दिए, अब जो बचे हुए हैं, जो कागज तुम लोगों के पास है, उनका तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेनकाब हो चुके हो। वो कागज मांगने के लिए आपके माध्यम से शाम तक भी कहते हैं, कल तक भी कहते हैं, जो 3-4 आदमी बचे हुए हैं, तुम लोग सुध बुद्धि से काम लो, तुम हमारे भाई हो, माफी मांगो, इनके पैरों में पड़ो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों के घरों में है वापिस आकर के इनको दो, अगर तुम लोगों ने बचना है, नहीं तो तुम लोग भी अंदर ही जाओगे। अगर युवा बोलेगा मंच इस लड़ाई में ना उतरता तो जैसा कि सुनने में आया है इस कोठी को भी हड़पने का उनका विचार था। कोठी हड़प रखी थी, ये तो कहने लगे ना, वहां से जो इन्होंने लड़ाई लड़ी कहीं कहीं, इस उम्र में देखो ना, उम्र तो देखो इनकी, इस उम्र में आकर के लड़ाई लड़ी, आकर के युवा बोलेगा मंच ने यहाँ पर हवन किया, तिरंगा झंडा लगाया, नहीं तो कोठी भी अपने नाम कर रखी थी। अरे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने ने क्यों है जी, बार काउंसिल ने क्यों क्यों सस्पेंड किया इन लोगों को, उनके दंपत्ति के जो लाइसेंस रद्द किए उनमें कमी मिली जब तो सस्पेंड किया ना, उसके बाद पुलिस जागी। यानी कि ये अगर करनाल ने 2.5 साल तक करनाल लाइन में ये केस चलता रहा, यहाँ नहीं कुछ भी हुआ, होता ही नहीं कुछ भी, फिर कैथल पुलिस में गया। ठीक है, नहीं चाहता हूँ, जो मेरे भाई के साथ हुआ वो बिल्कुल सरासर गलत हुआ है और उसका पूरा पूरा इंसाफ होना चाहिए, और जो उनकी कमाई के पैसे हैं उनकी बेटी जो अब हकदार है उसको मिलने चाहिए। इसमें मनीषा है, पवनदीप है, पवनदीप की बहन है, पवनदीप की माँ है, मनीषा की माँ है, सब मिले हुए। कोठी पे कुछ विवाद है? हाँ जी, इस कोठी पे भी कुछ विवाद है? बिल्कुल, वो तो चाहते थे, ये तो पता नहीं कैसे मैंने बचाई हुई है, पर वो तो सब कुछ हड़प करना चाहते थे,
जी, आपकी क्या भूमिका रही है इस प्लाट को लेकर? हमारी भूमिका यही रही है, हमने इस पे आकर के जब पता लगा कि ऐसे ऐसे आप लोगों को युवा बोलेगा मंच 800 के लगभग अब तक आंदोलन कर चुके हैं, प्रत्येक आंदोलन में सफलता मिलती है, जब बुजुर्ग का पता लगा कि क्या नाराई के साथ ऐसे हुआ है, ये तो अभी आपको दिखा रहे थे, ये क्यों दिखा रहे हैं हम लोग, इनका मिलाप या विदेश या कुछ भी हो, यहाँ आकर के इनका हौसला बढ़ाया सरदार जी का और आकर के यहाँ पर हवन किया, उसके बाद यहाँ तिरंगा झंडा लगा, उन्होंने तुतुमा में भी की, तो काफी मतलब पहले तो इन लोगों का ये साफ हो जाए मामला, आज इनका भी ये लगता है। कहीं ना कहीं आपको धमकी भी मिली? धमकियां मिली, केस दर्ज हुए हैं तो मोबाइल पे भी धमकी मिली, केस भी दर्ज हुए हैं, तो ऐसा तरह है, पर आपके माध्यम से फिर कहना चाहते हैं हम किसी को जेल की सलाखों में पहुंचाने से हमारे को भी दुख होता है, जो 3 आदमी 4 आदमी बचे हुए हैं जिनके घरों में कागज है, जो एफडीआई है, जो मोबाइल है बुजुर्ग का, एनआरआई का, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो उसकी 17 पासबुक है, जो भी सामान है वो वापिस शाम तक कल तक इनसे माफी मांग लो, और ये बड़े दयावान है, और जितना भी तुम लोगों के पास कागज का है आप पूरी तरह से वो सामान वापिस कर दो, वो तो बाद की बात है, जो पैसा उन लोगों ने खर्च कर लिया बैंकों में चला गया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.